सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरोज ढोंडियाल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरी मॉर्निंग से। हमारा नाश्ता पानी सब हो गया है और घर का जो भी काम होता है वो सब निपट गया है। और बाकी अब भी हम बैठे हैं, मैं, पूजा और नित्या बैठे हैं बाहर पे, और धूप भी आज अच्छी हो रही है। मौसम तो अब खुल ही गया है, मतलब अच्छी धूप आ रही है आजकल। बाकी नित्या के पापा और भैया तो सुबह ही चले गए थे ड्यूटी, और नित्या को मैंने यहाँ पे पूरा रेडी कर दिया है। और यहाँ पे बैठी है पूजा, ये देखिए। तो अभी हम बैठे हैं धूप में और मैं कर रही हूँ नारियल तेल से पूजा के बालों की जो होता है ना मालिश कर देती हूँ। उसके सर की भी मालिश हो जाएगी और जड़ों जड़ों में तेल चला जाएगा, क्योंकि अपने हाथ से ना ऐसा होता है कि तेल तो लग जाता है लेकिन पूरे जड़ों में नहीं जाता, लेकिन जब दूसरे लोग लगाते तो पूरे जड़ों में तेल चला जाता है। उससे थोड़ी राहत भी मिलती है और आराम भी मिलता है। तो लगाती हूँ पूजा के बालों में तेल, और यहाँ पर नित्या पहली लगाने लगी है अपने बुआ के बालों में तेल। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए नित्या के काम। क्या कर रहे हो नित्या? पापा आ गए? नहीं आए पापा तो? नहीं आए अभी। तो यहाँ देखिए नित्या गई थी भाभी के घर, और भाभी ने देखे नित्या का काजल। काजल किसने लगाया? नहीं। ताई ने लगाया। अच्छा आप क्या कर रहे हो, चलो बताओ। बुआ के बालों में तेल लगा रहे हो? ओ ये देखिए नित्या के काम। हो आपने ज्यादा तेल ले लिया, सुनो अब मम्मा को दे दो। आप लगाओ ना, मैं लगाऊंगी। लगाओ फिर लगाओ। हाँ ऐसे ऐसे दो दो। तो पूजा की सर की मालिश करने के बाद पूजा ने नहा लिया है, और बाकी नित्या को भी मैंने नहला दिया है। और बाकी अब बनाई है पूजा ने यहाँ पे खटाई, क्योंकि नींबू लाए थे मम्मी वो, और माल्टे भी लाए थे। तो ये देखिए हमारी खटाई बन चुकी है। और आजकल ना हम मतलब कभी कभी खटाई खा ही लेते हैं, हमें बहुत ही पसंद है खटाई। और बाकी ठंडियों में ना खटाई खाने के मजा ही कुछ और है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। और पूजा यहाँ पे खा रही है और नित्या भी खा रही है, खुश हो रखे मतलब खाने के लिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया है दिन का, और हो रहा है सुबह बिल्कुल धुंध हो रही है, और बाद में खुल रहा है मौसम। अभी देख सकते हो आप कितनी धूप हो रही है। तो बाकी आप दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, क्योंकि मैंने आपको आज का मौसम नहीं दिखाया था। अभी बज रहे हैं मतलब 12। और बाकी ना मैंने जो यहाँ पे क्यारी बोई थी उसमें भी थोड़ा बहुत हरा हरा हो गया है, मतलब जो मूली के पत्ते और राई के पत्ते वो थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम और अपनी क्यारी। आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मेरी राई के पत्ते ऊपर आ गए, और थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है मेरी क्यारी। उधर के साइड तो नहीं हुआ अभी धनिया, और उधर के साइड जो मैंने गाजर वगैरह बोया था उसमें अभी नहीं हुआ इतना, लेकिन इस साइड ना थोड़ा सा यहाँ पानी जाता रहता है तो यहाँ हो गया है। और बाकी आज का मौसम आप लोग देख सकते हो, खिली खिली वाली धूप आई है, लेकिन सुबह तो धुंध थी, लेकिन अभी खिली खिली वाली धूप आ रही है। यहाँ पे बैठ रही है पूजा धूप सेकती हुई, कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा लग रहा है। तो बाकी नित्या के पापा तो चले गए थे सुबह ड्यूटी, और भैया तो बहुत ही सुबह चले जाते हैं ड्यूटी। अब भैया आएंगे खाना खाने के लिए, तो मैंने खाना बनाने के लिए तो रख दिया है दाल और चावल। और बाकी आप लोगों से एक निवेदन है कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइब कम्प्लीट कर दीजिए। सो गाइस, मैं मिल रही हूँ आपको सीधा इवनिंग में, और मैंने ना आज मेहंदी लगाई थी बालों पर, तो इसलिए नहाना धोना फिर से हो गया है। और बाकी नित्या सोई थी आज भाभी के घर, क्योंकि उसे भाभी बहुत ही अच्छी लगती है, और तो उसने कहा मैं भाभी के साथ सोऊंगी, तो वही सोई थी। और बाकी अब मैं चलती हूँ, भाभी का फोन आया था कि नित्या उठ गई है। और अभी का मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, देखिए पीछे आप लोग देख सकते हो। तो मैं चल रही हूँ भाभी के यहाँ, और नित्या को भी लाती हूँ, और भाभी से भी मिलाती हूँ आपको। आज नहीं मिलाया मैंने आपको भाभी को, तो देखती हूँ नित्या क्या बोलती है, कि आ रही है घर या वहीं रह रही है, फिर से ऐसी करती है वो।
ये देखिए भाभी सो गई थी आपके साथ। हाँ। आराम से। हाँ, बिल्कुल। और उठ भी गई? हाँ, उठी, टीवी देखी। अच्छा, तो दिखाती हूँ आपको नित्या को। नित्या हो, क्या हो रहा है ये? हैं? टीवी देख रही है मोगली वाले, देखिए आप लोग। और ये तो चुटिया किसने बनाई? ताई ने बनाई। खुश हो रही है? खुश। आज नित्या ना भाभी के साथ बहुत ही खुश रहती है, मतलब उसे ना मैं नहीं चाहिए, भाभी चाहिए, क्योंकि उसे भाभी बहुत ज्यादा प्यार करती है ना उसे, है ना? हाँ। तो हमारे ना यहाँ की सारी भाभी ऐसी है, मतलब सब प्यार करती है नित्या को, बहुत ही मतलब अपने ऐसे समझती है कि अपने बच्चे की तरह समझती है। सो गाइस, हम बाहर आ गए हैं, और बाकी मैंने आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने भाभी के पूरे गार्डन के ना वीडियो बना रखी थी। तो भाभी से पूछते हैं, भाभी कितनी मेहनत करती है? कितनी मेहनत करते हो? बस काफी करती हूँ। करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा भी नहीं है, लगी रहती। भाभी ना दिन मतलब दूध डालना, पानी डालना। भाभी फूलों पे ना, भाभी फूलों से बहुत प्यार है, पेड़ लगाना, ये छोटे छोटे चीजें। और भाभी ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे अपने घर के इस साइड भी, और इस साइड भी मैंने आपको दिखाया था। और बाकी ना भाभी का मतलब गमलों में भी, ऊपर छत में भी लगा रखे, कभी और दिन दिखाऊंगी। मतलब बहुत सारे फूल लगा रखे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मोर पंखे, यहाँ पे मोर पंखे लगा रखे, देख सकते हो आप। तो ये गमले में ना कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए दो दरवाजे पे दरवान की तरह लगा रखे हैं भाभी ने, है ना? और बाकी यहाँ पे ना नित्या देखिए, नित्या और खुशी खेल रहे हैं, है ना? नित्या किसके साथ खेल रहे हो? दीदी के साथ खेल रहे हो? ये देखिए, और खुशी क्या बना रहे हो? मैं हाय लिख रही हूँ। हाय लिख रही है? हाँ, देखो फूल से। खुशी ने लिखा है क्या? हाय। हाँ। खुशी हाय लिख रही है, अभी ट्राई हो रहा है उसका। अभी एच लिखा है, वाई लिखा है, अब क्या लिखेगी? बस हो गया। अच्छा हो गया, शॉर्टकट में दिखाई नहीं। खुशी ने हाय लिखा है। अब मैं चलती हूँ दूध के लिए, मैं और भाभी जा रहे हैं, और मैं ले आती हूँ अंदर से बाल्टी, और भाभी गई अपने बाल्टी ने। और इन नीति का काम देखिए आप लोग, कॉपी और अपने पेन ले गए थे वहाँ पढ़ाई करने के लिए, ऐसे काम रहते हैं इसके। सो गाइस, दूध लेके मैं और भाभी आ गए थे, और अब आई हूँ मैं छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि धूप तो चली गई है अब, तो कपड़े ले जाती हूँ। और बाकी आज के वीडियो में यही था, और बाकी अभी पूजा घर पे नहीं है, इसलिए पूजा को नहीं मिला है मैंने आपसे। पूजा बाहर गई है कुछ काम से, और नीचे तो खेल रही है खुशी के साथ, वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी यही होते हैं मेरे ब्लॉग, और बाकी आज की वीडियो को ना इतना रखते हैं। आशा करते हो आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जैसे जैसे शेयर कीजिए। मैं सरोज मिलूंगी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।